आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर कानपुर से है, जहां चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि में पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन शुरू हुआ और हरमोहन सिंह की 10वीं पुण्यतिथि में वर्चुअली शामिल होकर पीएम मोदी ने संबोधित किया। बता दें, इस कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सिंह यादव जी की 10वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम था और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया था और उनके संबोधन से मैं समझता हूँ कि पूरे हमारे यदुवंशी समाज को और देश के करोड़ों युवाओं को एक नई दिशा प्रदान होगी आज के कार्यक्रम के बाद। अमेठी से है, जहां कांग्रेसियों ने सांसद स्मृति ईरानी के खिलाफ मोर्चा खोला, जहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर स्मृति ईरानी इस्तीफा दे दो नारे लगाए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को रोका। खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस ने 25,000 के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। तीनों बदमाश बाइक पर सवार होकर सिंधिया तिराहे से ननहार थाना क्षेत्र की ओर भाग रहे थे, तभी कोतवाली प्रभारी के साथ उपनिरीक्षक और अन्य पुलिस बल को साथ लेकर सिंधिया तिराहे पर बदमाशों का पीछा किया, तभी इन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पुलिस ने बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद घायल बदमाशों को जिला अस्पताल लाया गया है। जिला अस्पताल पहुंचकर पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने इन बदमाशों से पूछताछ की और पुलिस टीम को बधाई दी। घटना की पृष्ठभूमि यह रही कि अमीर चंद बैंक से उस दिन 2 लाख रुपया निकाले थे, तब से वो गायब थे, तो स्पष्ट था कि ये रुपयों के चक्कर में ये घटना की गई थी। इस संबंध में जो सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात हुआ कि इस घटना में कुल 4 लोग रहे, जिन्होंने इसको रुपयों के लालच में इसको ले जा करके और इसका रुपया लूट करके इसकी हत्या की गई। जब आज सनसनीखेज घटना का अनावरण हुआ और इसमें आज कुल 3 अभियुक्त पकड़े गए, इनके कब्जे से 1,10,000 रुपया बरामद हुआ, 2 तमंचा बरामद हुआ और घटना के बाद जिस बाइक से भागे थे वो बाइक भी आज बरामद हुई। हरदोई तहसील हरपालपुर में एक भारतीय किसान यूनियन दशहरी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष प्रमोद यादव ने क्षेत्र की प्रमुख जन समस्याओं को लेकर पलिया में पंचायत में शासन प्रशासन पर किसानों की समस्या को लेकर उदासीनता बरतने का आरोप लगाया गया। इसके उपरांत विद्युत समस्या को लेकर विद्युत उपकेंद्र का घेराव किया गया, साथ ही 8 सूत्रीय मांगों को लेकर SDM सवायजपुर को ज्ञापन दिया गया। देखिए, आज यहाँ पर पलिया में जो धरना प्रदर्शन किया गया, खासकर बिजली की समस्या इन लोगों ने बताई कि बिजली की यहाँ पर बहुत समस्या है और जो यहाँ का SDO और JEE है वो लोग जनता के साथ तानाशाही करते हैं, इनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, इनकी समस्याओं को सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। उसी के तहत आज कार्यक्रम लगाया गया था, जिसमें SDM महोदय सवायजपुर आए थे, उनको ज्ञापन दिया गया है और 1 सप्ताह का समय दिया गया है। एक्सचेंज से भी फोन पर उनकी बात हुई, अगर 8 दिन में निस्तारण नहीं हुआ तो अगली बार हम लोग 10 दिन बाद पावर हाउस पर कार्यक्रम लगाएंगे। खबर देवरिया से है, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने श्रावण सोमवार के अवसर पर मझलौरी राज स्थित बाबा दीर्घेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक कर जनपदवासियों के लिए शांति व्यवस्था और समृद्धि की मंगल कामना की और जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ का प्रबंधन करने के लिए प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। देवरिया के जो प्रमुख स्थान है उसमें ये बंगाली बाबा की पुण्यतिथि पर जो दीर्घेश्वरनाथ मंदिर है मझौली राज में, यहाँ पर हम सभी लोग का आगमन है और हमारी पूरी टीम, सभी साहब SDM साहब, CO साहब, ADM साहब, हमारे सभी अधिकारीगण और हम और हमारे SP साहब, हम सभी लोग व्यवस्थाओं को देखने भी आए थे और हम लोगों ने महादेव से आराधना भी की है कि जनपद में शांति रहे, व्यवस्था रहे और जो बाबा जी हैं उन्होंने जो व्यवस्थाएँ बनाई हैं, जिस प्रकार से जनता को सुविधाएं हैं और सब उल्लास का माहौल है, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है।
खबर संभल से है, जहां गांव ज्ञानपुर सिसौना में चोरों ने एक ही रात में तीन मकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें, चोर करीब 65,000 रुपए और 3 लाख का जेवर लेकर फरार हुए। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। और सुबह मेरी बहू उठी, मैंने सब काम कर लिया तो उठी, उन्होंने देखा तो गेट लगा हुआ भीतर से। तो मुझसे बोली, अम्मी मेरा गेट लग गया भीतर से, देखा बाहर से आन का कोमल कटा हुआ जंगल माई से। मेरी बहू की चीजें, एक जोड़ी बुंदे कानों के, एक टीप गले का, नाक में की लौंग, पैरों में चैन है, पैंडिल, हाथ में अंगूठी सोने की, इतनी चीजें सोने की ही, और पैरों में 2 जोड़ी चैन है चांदी की। खबर हरदोई से है, जहां शादी का झांसा देखकर फॉलोअर की बेटी का शारीरिक शोषण करने वाले सिपाही को एसपी ने निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पीड़ित पिता की तहरीर पर लोनार थाने में आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ने सीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। बाराबंकी की जनपद निवासी फॉलोअर जनपद के ही एक थाने में तैनात है। फॉलोअर ने एसपी को शिकायत पत्र दिया था। इस समय आरोप लगाया गया था कि लोनार थाने में तैनात सिपाही आशीष ने उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा, अब शादी करने से इनकार कर रहा है। एसपी राजेश द्विवेदी ने प्रकरण की जांच सीओ परशुराम सिंह को सौंपी थी। ये 2018 बैच का आरक्षी है। थाना लोनार में तैनाती के दौरान एक सजातीय फॉलोअर की पुत्री से इसके अंतरंग संबंध हो गए, विवाह की बात चली थी। कालांतर में इसका वहां से ट्रांसफ़र हो गया और इसमें लड़की के परिजनों का द्वारा आरोपित किया गया कि दहेज आदि की मांग को लेकर के इसने विवाह करने से इनकार कर दिया है। इसी संबंध में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के पकरी सेवार गांव में जमीन कब्जा करने को लेकर दबंगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को बुरी तरह पीट दिया। इससे कई लोग घायल भी हुए हैं। बता दें, दबंगों ने गर्भवती महिला के पेट पर भी प्रहार कर दिया, जिससे महिला को गंभीर अवस्था में शहर रेफर कर दिया गया है। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण कराते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पकरी सेवार गांव में एक घटना की बात प्रकाश में आई थी और थाने पे एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा दो पक्षों की दोनों एक ही गांव के पक्ष हैं और एक विवाद को लेकर के इन लोगों में आपस में कहा सुनी हुई, जो कि बात बढ़ के मारपीट तक पहुंच गई थी। इस बात की जैसे ही जानकारी मिली, तत्काल थाना मेजा पर एक अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर बिजनौर से है, जहां सांप्रदायिक माहौल खराब करने के मकसद से दो सगे भाइयों ने सिर पर भगवा पगड़ी पहनकर तीन मजारों को टारगेट करते हुए मकबरे में चढ़ी चादरों को आग के हवाले करते हुए मजार के मकबरे में तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मौके पर किसी राहगीर ने इस कारतूत को देख पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने दोनों भाइयों को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच में जुट गई। उन्होंने मजार तोड़ी तो मेरा छोटा वाला भाई नहीं था, वो बाद में गया। लेकिन अगर उनका दिमाग सही होता तो वो भी तो एक मोमडन है कि हम मजार तोड़ पाते या नहीं। अगर कोई मोमडन अच्छे दिमाग में मजार तोड़ पाता है तो हम भी यही है। तो अगर वो तोड़ पाते हैं तो क्या वो तोड़ नहीं सकते क्या? वो भी तो एक मोमडन है ना। लेकिन उनका दिमाग डिप्रेशन में, तभी तो उन्होंने मजार तोड़ी है। खबर अलीगढ़ के कोतवाली ग्लास क्षेत्र से है, जहां पड़ोस के ही लोगों ने नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया। इसके बाद जब पीड़िता की चीख पुकार सुनकर परिजन बाहर आए तो दबंगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान पीड़िता के भाई को गंभीर चोट आई है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने कोतवाली ग्लास में मदद की गुहार लगाई। देश में रहकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां रोहतक के रहने वाले राहुल सहित एक नाइजीरियन युवती को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, राहुल नाइजीरिया की रहने वाली लॉरेंस के साथ मिलकर नाइजीरिया के लोगों के लिए फर्जी आधार कार्ड बना रहा था। इतना ही नहीं, राहुल ने कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा की फर्जी मोहर भी बनवा रखी थी, जिसके आधार पर राहुल नाइजीरिया के रहने वाले लगभग 20 लोगों के फर्जी आधार कार्ड बना चुका था। इस मामले में कार्यवाही करते हुए फरीदाबाद पुलिस ने फर्जी मोहर बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पूछताछ कर रही है।
ये अपना इंडियन ही है जो अभी पकड़ा था शुरू में, राहुल नाम का, एक रोहतक का रहने वाला है। ये फर्जी आधार कार्ड बनाता है इसका, NIC से अपना नंबर ले रखा है, भड़गल तहसील में बैठता है, लेकिन अनऑफिशियली ये बिहारी मार्केट में बैठता था, वहाँ पर नाइजीरियन के आधार कार्ड बनाता था, तो इसको पकड़ा है। उसके बाद फिर जो मोहर बनाते हैं, इसने MLA श्री नीरज शर्मा जी की मोहर बनाई थी, तो उसको दिल्ली नेहरू प्लेस से बनवाई थी, उसको भी गिरफ्तार कर दिया गया है। तथा एक नाइजीरियन औरत लॉरेन है, उसको भी इस संबंध में गिरफ्तार किया जो इसकी लाइजनिंग करती थी और जो इसके पास लेके आती थी। रामनगरी अयोध्या में आज दूसरे सोमवार पर कावड़ यात्रा में भारी भीड़ और सावन झूला मेले को लेकर सुरक्षा हाई अलर्ट पर रही। इसके साथ एंटी नेशनल एलिमेंट्स पर इंटेलिजेंस एजेंसियां निगरानी कर रही हैं, साथ ही पूरे अयोध्या की सुरक्षा के लिए ATS, CRPF और PSC भी लगाई गई। इस दौरान ADG जोन ब्रजभूषण शर्मा ने सरयू घाट से लेकर प्रमुख मंदिरों तक सुरक्षा का जायजा लिया। देखिए, आज ये श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और मेरे जोन में मुख्य रूप से अयोध्या, योगेश्वर महादेव बाराबंकी में और गोला गोकर्णनाथ खीरी में, ये तीन ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत श्रद्धालु लाखों संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और चारों तरफ से आते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि बात करते हैं अयोध्या की, तो हम लोगों ने एक तो जो जितने रोड चारों तरफ से आ रहे हैं, चाहे बाराबंकी से रोड आ रहा हो, चाहे बस्ती वाला रोड है, अम्बेडकर नगर है, चाहे गोंडा से आ रहा है, हैवी जो व्हीकल्स हैं उनका डाइवर्जन ये सैटरडे मॉर्निंग शुरू कर दिया गया कल। और बस्ती और यहाँ से जो रोड बस्ती के लिए गया है उसका एक साइड ओनली रिजर्व फॉर कांवड़ है, इसके लिए पूरे रोड को सेक्टर जो बांटा गया है और जैसे ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो कांवड़ियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो पूरी बनी रहे। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को कांवड़ यात्रा के दौरान जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उद्देश्य से जिले का भ्रमण किया और इस दौरान कांवड़ ले जा रहे कांवड़ियों के लिए स्थापित किए गए शिविर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को अपने हाथों से प्रसाद, पानी और बिस्किट आदि का वितरण भी किया गया। खबर संभल से है, जहां प्रेम, भाईचारा और दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान की भावना कांवड़ लाने वाले कांवरियों के स्वागत में देखने को मिली और हरिद्वार में कांवड़ लेकर जब कांवरिये संभल के पातलेश्वर मंदिर की ओर पहुंचे तब रास्ते में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे जो कांवड़ियों के स्वागत में फूल बरसा रहे थे। सावन के दूसरे सोमवार लखीमपुर खेरी के ओयल प्राचीन मेढक मंदिर महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। इस प्राचीन मंदिर की बड़ी मान्यता है। बता दें ये मंदिर नीचे से मेढक के आकार में बना हुआ है। सावन के दूसरे सोमवार के चलते सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। संपूर्ण कस्बे का वातावरण महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। लखीमपुर खीरी में ऐसे कई प्रसिद्ध मंदिर है, भोले बाबा के स्थान ऐसे मौजूद है जहाँ भक्तों की काफी श्रद्धा है। खबर बिजनौर से है, जहां पर पुलिस ने दुष्कर्म के प्रयास में नाकाम होने पर महिला की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रिश्ते के चचेरे भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चचेरी भाभी के साथ दुष्कर्म करने की योजना बनाई थी। आरोपियों ने महिला के दुपट्टे से गला घोटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस हत्या में शामिल 4 अभियुक्तों को न्यायालय के सामने पेश करके जेल भेजने में जुट गई है। अलीगढ़ में अवैध अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। अभियान में अवैध झुग्गी झोपड़ी सहित अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में मौजूद भानुगुट के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय पर नगर निगम कर्मचारियों की ओर से बुलडोजर चला दिया गया, जिसको लेकर भानुगुट के कई पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसको लेकर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात की गई है। इस भारत की लोकतंत्र के बाद 547 राजपूत राजाओं को नेश नाबूद करके ये लोकतंत्र आया था। इस लोकतंत्र के प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल बने थे, वो कांग्रेस के लीडर थे और उस समय थोड़ा फिर ज़्यादा, फिर जब से
ये सोनिया गांधी आई हैं और राहुल गांधी आए हैं, तब से सिवाय लूट के इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने घेराव इसलिए किया है कि माननीय गरीब दलित मजदूर जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनकी बस्तियों को नगर निगम ने उजाड़ दिया है। जब उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जब तक गरीब की झुग्गी ना उजाड़ी जाए, जब तक उनका यथावस्थिति उनकी ना बना दी जाए, उनका वैकल्प व्यवस्था ना कर दी जाए, उनकी झुग्गी नहीं उजाड़ी जाए, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है। लेकिन यहाँ के नगर निगम ने, यहाँ के MNA ने और बिल्डरों की चाल समझ के बिल्डरों से मिलके उनसे साठ गांठ करके और इन गरीबों को उजाड़ दिया है। आज उसी उपलक्ष्य में हम NA का घेराव करेंगे। बिल्डरों के द्वारा जहाँ पे नगर निगम द्वारा निशान लगाया गया है, वहाँ पे जब ज्ञापन देने के बाद नगर आयुक्त जी का ये कहना था कि ज्ञापन से कुछ नहीं होगा, इन पर कार्रवाई होगी। जब नगर निगम को हमने एक ज्ञापन दिया गया था, उस पर आप जांच करते, उसके बाद आपको जो भी एक्शन लेना था नोटिस के द्वारा आपको एक्शन देना चाहिए था। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा हुआ है कि किसी भी गरीब की झोपड़ी ना उजाड़ी जाए, अगर वो अवैध बनी हुई है उनके लिए भी एक अच्छी जगह व्यवस्था की जाए, उसके बाद उजाड़ी जाए। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी नगर आयुक्त ने और वहां पे बुलडोजर चला दिया। खबर औरैया के एरवाकटरा क्षेत्र से है, जहां ई रिक्शा में चार्जिंग के तार लगाते समय 25 वर्षीय युवक को करंट लग गया। करंट लगने के बाद परिजनों ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। करंट से कैसे करंट लगा? ये सर उसका नाम था, तार लगा रहा था सर। कहाँ पे? घर पे, भीतर घर पे जी। तो ये मृतक का क्या नाम है? अजय राठौर। अजय राठौर। इनके पिता का नाम? राजू राठौर। अच्छा सर, कितनी उम्र है? 27 वर्ष। फिर क्या हुआ करंट लगने के बाद? करंट लगने के बाद सीधा मैं यहाँ लाया सरकारी अस्पताल बिधूना में जी। फिर डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टरों ने देखा उनको, 5-7 बार देखने के बाद कहा मतलब कुछ है नहीं। अच्छा, मृत घोषित कर? मृत घोषित। तो फिर घटना की सूचना पुलिस को दी आपने? जी। पुलिस आई थी जी। कहाँ ले जा रहे हैं आप? किस समय और पोस्टमार्टम के लिए? का नाम है अजय कुमार है, जो कि हरचंदपुर बढ़ीन का निवासी है। उम्र लगभग इसकी जो है 25 साल होगा और पिताजी का नाम इसका राजू है। वो शायद ई रिक्शा जो है चार्जिंग के लिए उसने लगाया होगा, जिसकी वजह से करंट लगने से उसकी जो है वहीं पर मृत्यु हो गई। अस्पताल में जो है इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। खबर हरदोई से है, जहां बिलग्राम क्षेत्र के माधवगंज थाने के अंतर्गत ड्यूटी पर तैनात नरेंद्र वर्मा शराब पीते वीडियो वायरल हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहां एक तरफ शासन प्रशासन सख्त रवैया दिखा रहा है, वहीं माधवगंज का होमगार्ड शराब पीते हुए नजर आ रहा है। माधवगंज चौराहे के पास बैंक ऑफ इंडिया के सामने नरेंद्र वर्मा अपने साथियों के साथ ड्यूटी के दौरान दिन में शराब पीता हुआ नजर आ रहा है, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। फरुखाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से दो कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए CHC राजेपुर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए CHC राजेपुर से जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया। थाना राजेपुर क्षेत्र के इटावा बरेली हाईवे पर गांव गांधी के पास का यह मामला बताया जा रहा है। बता दें कि बाइक सवार कांवड़िए गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर में कांवड़ चढ़ाकर वापस लौट रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर अमृतपुर CO ने जिला अस्पताल लोहिया पहुंचकर दोनों घायल कांवड़ियों से उनका हाल जाना। आज थाना क्षेत्र राजेपुर में सूचना आई समय लगभग 3:30 बजे के आसपास, ग्राम गांधी के सामने दो कांवड़ियां लौट दर्शन करके आ रहे थे, वापसी में इनको एक्सीडेंट हुआ और वहां बताया जा रहा था कि ट्रैक्टर जिस पे कांवड़ियां ही जा रहे थे उनसे हुआ है। और इनके नाम है अमित चौहान पुत्र अवधेश सिंह, उम्र इनकी 32 साल है। दूसरे हैं नन्हेलाल पुत्र मुन्नालाल, उम्र इनकी 30 साल है। ये दोनों दुर्गुपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फरुखाबाद के निवासी हैं। तुरंत सूचना पे राजेपुर पुलिस और PRB द्वारा तुरंत वहां से पहुंचा गया, उनको लाके जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। आज खबर गाजियाबाद से है, जहां कल होने वाले जलाभिषेक को लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। कांवड़ियों का भी जबरदस्त हुजूम देखने को मिला। बता दे सभी लोग आज रात और कल पहुंचकर भोले बाबा को जल चढ़ाएंगे। वक्त हम मौजूद है गाजियाबाद के सबसे लास्ट वाले शिविर पर, जो कि आखिरी शिविर है।
ये शिविर शिव शक्ति कांवड़ सेवा समिति के नाम से पिछले 13 वर्षों से ये लगाया जा रहा है और यहाँ पर ये लास्ट शिविर इसलिए है क्योंकि इसके आगे की जो सीमा है वो दिल्ली बॉर्डर शुरू हो जाती है। जितने भी शिव भक्त हैं इस समय लगातार अपने घर के लिए और अपने मंदिर के लिए और अपने लास्ट के शिविर के लिए रवाना हो रहे हैं। बात की जाए यहाँ से हरियाणा की या फरीदाबाद की, तो यहाँ से जो कांवड़ियाँ हैं वो फरीदाबाद, क्योंकि कल जल अभिषेक होना है और उसको लेकर खासतौर पर यहाँ पर जितने भी कांवड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितने सब उनके परिवार से भी काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि परिवार वाले पिछले 9 से 10 दिन हो चुके हैं कांवड़ों को कांवड़ियाँ लाते हुए, तो कहीं ना कहीं परिवार वाले मिलने के लिए काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अब मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा पीछे से कि इस समय जो कांवड़ हैं लगातार कांवड़ यहाँ से लेकर अपने घर के लिए अपने सुबह जल अभिषेक होना है तो उसको लेकर काफ़ी उत्साह है सभी शिव भक्तों के अंदर में। और अब बात भी करेंगे यहाँ पर काफ़ी शिव भक्त हैं उनसे भी पूछेंगे कि आखिर किस तरह की रास्ते में व्यवस्थाएं रही हैं, क्योंकि उत्तराखंड और यूपी भाजपा की सरकार है जहाँ पर बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो यात्रा रही है शिव कांवड़ियों की तो किस तरह से रही है? तनुमन लिख ये बताइए, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा लगी फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा लगी, कोई व्यवस्था में किस तरह की आपको व्यवस्थाएं दिखी? नहीं, व्यवस्था बहुत सुविधादायक था और जहाँ पर ही गए हम सब जो टेंट वगैरह लगा हुआ है सब बहुत सेवा किया है सब जगह, हर जगह पर आप जहाँ भी जाओ उत्तराखंड से ले कर आप जोगीराज में जहाँ पर जाओ जो प्रशासन है वो बहुत जो है सेवा कर रहा है सबका। अच्छा आप जाएंगे कहाँ पर इस समय, कहाँ आपका जल अभिषेक होना है, किस मंदिर में हो, किस राज्य के हैं आप रहने वाले ये बताएं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, अभी तो यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ, सीधा जाएंगे हम दिल्ली करावल नगर। देखिए करावल नगर से मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली के जो सटे हुए लोग हैं वो लोग यहाँ से अब कुछ ही देर में निकले क्योंकि सुबह जल चढ़ना है, अपने नज़दीकी शिविर में वो लोग स्टे करेंगे रात में और सुबह ही तड़के सुबह ही उन लोगों को जल भी चढ़ाना है भगवान भोलेनाथ के ऊपर। तो हम बात करेंगे और भी हमारे साथ कांवड़ियाँ हैं उनसे पूछेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएँ रास्ते में, बताइए कि किस तरह से व्यवस्थाएँ रही हैं रास्ते में? व्यवस्थाएँ सब बढ़िया रही हैं और सभी कांवड़ियों का अच्छी तरह से ख्याल रखा गया है। ये नहीं कि इस सरकार में कोई नाइंसाफी हुई हो या किसी भोले भक्त को परेशानी हुई हो। हाँ, थोड़ा बहुत परेशानी सभी भक्तों को उठानी पड़ती है चलने फिरने में, और वैसे भी कुछ मेरिट में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं मगर इतना नहीं है, फिर भी प्रशासन काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर रखा है। जैसे कि कल की घटना की बात की जाए, कल जिस तरह से मेरठ में एक उपद्रव हुआ, उपद्रव कह सकते हैं क्योंकि एक किसी असामाजिक तत्व ने किसी तरह से कुछ हरकत की जिसके वजह से भोले जो भक्त थे वो नाराज हुए काफ़ी, मैं कह सकता हूँ काफ़ी बहुत गुस्से में नजर आए। और सुनने में ये भी आया कि वहाँ पर जो CO SP हैं रैंक के अधिकारी थे उनकी गाड़ियाँ भी फोड़ी गई, ऐसा करना क्या शिव भक्तों को जरूरी था इस तरह? एक बार हम तो यही कहेंगे कि शिव भक्तों को ये जरूरी लगा, मगर एक चीज़ सोचने वाली भी है कि शिव भक्त इतनी दूर से इतनी दूर तक पद यात्रा करके आ रहे हैं, इतनी भारी कावड़ है। आप खुद सोचो इस चीज़ को कि अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसकी उनकी चीज़ों को क्यों खराब कर रहे हो, खंडित की क्यों जा रही हैं, तो उनकी प्रशासन पर भी तो सोचना चाहिए ना, प्रशासन को भी कि उन शिव भक्तों के लिए इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, फिर इस चीज़ में भी कि उन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए कि शिव भक्त का ये थोड़ी नहीं कि शिव भक्त के सिर्फ खाली देखने के लिए हैं, उन्हें संभालने के लिए भी तो होते हैं। ये नहीं है कि हम सारी गलती हम लोगों की नहीं है, हम शांति से चले आ रहे हैं, हम किसी को नुकसान नहीं दे रहे हैं। हमने अभी तक शिव भक्त कांवड़ियों को इतने सभी का कह सकता हूं मैं कि किसी को बिना मतलब के कि कोई अपने आप से नहीं भिड़ेगा, जब उसे कोई परेशान करेगा तब वो परेशानी अटेंड करने के लिए तैयार रहता है, सभी शिव भक्त एक ही हैं, वो अगर उन्हें कोई नुकसान होगा तो हम भी उनके आगे चलेंगे। देखिए साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर हम कांवड़, क्योंकि कांवड़ यात्रा जो है वो लंबी होती है, लगभग यहाँ से 200 से 300 किलोमीटर का दायरा होता है जिसमें वहाँ से हरिद्वार से जल लेकर आते हैं, अगर रास्ते में किसी तरह का कोई भी दिक्कत आती है शिव भक्तों को तभी वो उपद्रव मचाते हैं या किसी तरह का एक माहौल जो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, तो उस पर कार्रवाई करते, पुलिस पर भी बोला गया है कि पुलिस भी उस चीज़ों पर कार्रवाई करे। गाज़ियाबाद से प्रवीण मिश्रा, Prime TV। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।